नमस्कार, मैं डॉक्टर स्टीव शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, बवासीर क्यों होता है, इलाज भी बताएं। तो बवासीर होने के कई कारण होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कब्ज रहने के कारण, कॉन्स्टिपेशन होने के कारण, स्टूल पास नहीं होता, मल पास नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत जोर लगाना पड़ता है, आंतों में सूजन आ जाती है, बवासीर की शिकायत हो सकती है, या गलत खान पान के कारण, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, तली वली चीज़ें खाते रहने से, बहुत तेज मिर्च मसाला खाने की वजह से, बाहर का खाना खाने की वजह से बवासीर की शिकायत हो जाती है, या बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने के कारण, भागदौड़ भरी व्यस्त ज़िंदगी की वजह से, नींद पूरी ना होने के कारण, मेनली बवासीर की शिकायत हो जाती है कि आंतों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से मस से बाहर आ जाते हैं। तो बवासीर दो तरह की होती है, एक तो मस से बाहर आ जाते हैं जिनमें खुजली होती है, जलन होता है, दर्द होता है, और कई बार उनमें खून भी आने लगता है, जो कि खूनी बवासीर कहलाती है। तो बवासीर के लिए आज बहुत ही बढ़िया एक होम्योपैथिक दवा मैं आपको बता रहा हूँ। दवा का नाम है डॉक्टर पायरो प्लस BC17। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव फॉर्मूलेशन है और दवा कॉम्बो पैक में रहती है। इसमें दो तरह का दवा होता है, पीने के लिए डॉक्टर पायरो ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की एक कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 17 की टैबलेट होती है, जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना जरूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी, या बहुत ज़्यादा तेज मिर्च मसाला, तली वाली चीज़ें ना लें। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.tactis.in या कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285-742-000। और आप लोगों की सुविधा के लिए कंपनी का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में भी दे रहा हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।